हेलो, आप सभी को सादर जय जनित। लीजिए, आशीष जैन दोबारा से आपके समक्ष फिर से उपस्थित है ज्ञान रहस्य का नया एपिसोड लेकर। सुबह के बज चुके हैं 9 और एपिसोड स्टार्ट करते हैं ज्ञान रहस्य का एक न्यू, जिसमें हम आपको बताएंगे हुंडा अवसर्पणी काल के बारे में। पिछली बार 11 दिसंबर को श्रीवाणी चैनल पर सुबह के 9 बजे एक वीडियो आई थी, जिसमें हमने आपको हुंडा अवसर्पणी काल के बारे में बताया था कि हुंडा अवसर्पणी काल लगने की वजह से तीर्थंकरों बलभद्रों नारायणों के जीवन में क्या-क्या विसंगतियां आई, उसके बारे में हमने उस वीडियो में आपको बताया था। अब जो पॉइंट्स रह गए थे, आज हम वो सारे के सारे पॉइंट इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे, और उसके बाद आपसे 5 प्रश्न भी पूछे जाएंगे, जिसमें आपको जवाब देने पर, हमारे कमेंट बॉक्स में जवाब देने पर आपको मिलेंगे नगद पुरस्कार, ₹200 नगद किन्हीं 3 विजेताओं को। आपको पूरी वीडियो सुननी है, उसके बाद प्रश्न सुनने हैं और उसके जवाब कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो चलिए, सबसे पहले 11 तारीख को जो वीडियो आई थी, उसके बाद जो मैंने आपसे 5 प्रश्न पूछे थे, उसके जवाब डिस्कस करेंगे। सबसे पहला प्रश्न था कि 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की प्रथम दिव्य धमनी कितने दिन बाद खिरी। उसका जवाब है 66 डेज, 66 दिन बाद। सेकंड वाला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, जो तीर्थंकर भगवान की दिव्य धमनी होती है, उसमें कितनी महाभाषा और कितनी लघु भाषा होती है। तो उसका जवाब है 18 महाभाषा और 700 लघु भाषा। तीसरे नंबर का क्वेश्चन पूछा था, आदिनाथ भगवान के समय में, जो हमारे प्रथम तीर्थंकर थे, उनके समय में कितने मुनिराज अपनी चर्या से, जो दिगंबर चर्या होती है, उससे भ्रष्ट हो गए थे। उसका जवाब है 4,000 मुनिराज, जो मैंने बताए थे। चौथे नंबर पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, वह था कितने मिथ्या मत आदिनाथ प्रभु के समय में चल गए थे। उसका जवाब है 363, 363। पांचवें नंबर पर क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था, वह क्वेश्चन था कितने तीर्थंकरों का जन्म इस वाली 24वीं में अयोध्या में हुआ। उसका जवाब है 5 तीर्थंकरों का। इस बार इस 24वीं में सिर्फ 5 तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में हुआ। तो चलिए, अब डिस्कस करते हैं आज की वीडियो। आज भी हम हुंडा अवसर्पणी काल में जो परिवर्तन हुए, और बलभद्रों के जिंदगी जीवन में, तीर्थंकरों के जीवन में जो भी परिवर्तन हुए, आज हम जो पिछली वीडियो के बाद जो बाकी पॉइंट्स बचे रह गए थे, आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला पॉइंट, आदिनाथ भगवान सबसे पहले तीर्थंकर जो हमारे हुए, जब उन्हें वैराग्य हो गया और वो मुनिराज बन गए, तो उनको 13 महीने तक आहार की विधि नहीं मिली। 13 महीने कैसे हुए कि 6 महीने तो वो आहार के लिए उठे ही नहीं, और 6 महीने वो आहार के लिए उठे, 7 महीने लगभग, लेकिन उनको विधि नहीं मिली, क्योंकि किसी को भी नवधा भक्ति का ज्ञान नहीं था, जिस वजह से उनको 13 महीने तक आहार नहीं मिला। दूसरे नंबर पे पॉइंट आता है, 3 तीर्थंकरों पर उपसर्ग हुआ। नॉर्मली क्या होता है, किसी भी तीर्थंकर पे मुनि दीक्षा लेने के बाद तप करते हुए उपसर्ग वगैरह नहीं होते, लेकिन इस 24वीं में 3 3 तीर्थंकरों पर उपसर्ग हुए, जैसे कि जिसमें कि सबसे पहले सुपार्श्वनाथ भगवान, सेकंड नंबर पर 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ स्वामी, और 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी। तीसरे नंबर पर चलते हैं, जो सबसे पहले तीर्थंकर होते हैं, नॉर्मली क्या होता है, वो सबसे प्रथम तीर्थंकर जो होते हैं वही सबसे पहले मोक्ष जाते हैं, लेकिन इस 24वीं में सबसे प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ स्वामी से भी पहले उनके ही परिवार से अनंत वीर्य जी एवं बाहुबली स्वामी मोक्ष चले गए, जो कि नहीं होना चाहिए था, वह भी हुंडा अवसर्पणी काल की वजह से हुआ। चौथे नंबर पर पॉइंट आता है कि तृतीय काल में भोग भूमि रहती है, लेकिन तृतीय काल में भोग भूमि रहने के बावजूद भी
इस धरापे से कल्पवृक्ष धीरे धीरे खत्म हो गए थे, जिसमें कि 10 प्रकार के कल्पवृक्ष होते हैं, जिसमें कि भूषणांग जो कि आभूषण वगैरह देता है, एक भोजनांग जो भोजन की विविध प्रकार की 56 प्रकार के भोजन प्रदान करता है। तो इस तरह से 10 प्रकार के कल्पवृक्ष होते हैं, वो तृतीय काल में ही भोग भूमि रहते हुए ही वो सब समाप्त हो गए और कर्म भूमि शुरू हो गई। चलिए पांचवें नंबर पर आता है 5 तीर्थंकर का बाल ब्रह्मचारी होना। नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि कोई भी तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी हो, लेकिन इस 24 में बाल ब्रह्मचारी हो 5 तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी हुए, जिसमें कि सर्वप्रथम वासुपूज्य भगवान, जिनके पांचों के पांचों कल्याणक ही चंपापुर में हो गए। सेकंड नंबर पे मल्लिनाथ जी, वो भी बाल ब्रह्मचारी रहे। थर्ड नंबर पे नेमिनाथ जी, 22वें तीर्थंकर, जो कि ने गिरनार गिर से मोक्ष गए। आपको पता ही होगा उनकी बारात जब जूनागढ़ पहुंची, तो वहां पे जब वो राजूल को भ्याने गए थे, तो वहां पे वो पशुओं का क्रंदन सुनकर उनको वैराग हो गया और वो वहीं से जूनागढ़ से ही गिरनार गिर की तरफ प्रस्थान कर गए। अब आते हैं, उससे अगले आते हैं पार्श्वनाथ भगवान, वो भी बाल ब्रह्मचारी रहे। और सबसे अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी भी इस 24 में बाल ब्रह्मचारी रहे। तो इस तरह कुल 5 तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी रहे, वासुपूज्य जी, मल्लिनाथ जी, नेमिनाथ जी, पार्श्वनाथ जी और महावीर स्वामी। चलिए छठे नंबर पर पॉइंट आता है, जो प्रथम तीर्थंकर द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था जो बनाई आदिनाथ भगवान ने, उसमें जो उनके ही पुत्र थे प्रथम चक्रवर्ती भरत जी, उन्होंने सुधार किया, उन्होंने एक नया वर्ण बनाया, ब्राह्मण वर्ण, जो कि प्रथम तीर्थंकर ने नहीं बनाया था। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि तीर्थंकर के बनाई हुई व्यवस्था में कोई सुधार की गुंजाइश हो या ऐसा हो, लेकिन इस हुंडा सर्पण काल लगने की वजह से इस 24 में ये हुआ। अगला पॉइंट नंबर 7, सट विद्या का उपदेश जो अंतिम कुल कर देते हैं, जो कि नाभिराय जी को देने थे, वो प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान ने दिए। ऐसा नहीं होता, लेकिन अब की बार हुआ और वे सट जो विद्या होती है उनके नाम होते हैं असी, मसी, कृषि, वाणिज्य, शिल्प और विद्या। ये 6 तरह के कर्म होते हैं जिससे कि व्यक्ति अपना जीव का उपार्जन कर सके और कुछ पैसा वगैरह कमा सके। तो वो उपदेश सारे के सारे कुल कर देते हैं, लेकिन इस वाली में आदिनाथ भगवान ने दिया। अगला पॉइंट, तीर्थंकरों का अनेक पदवीधारी होना। तीर्थंकरों का अनेक पदवीधारी होना, जैसे कि शांतिनाथ भगवान, कुंतुनाथ भगवान, अर्यनाथ भगवान, ये 3 तीर्थंकर कंटिन्यूअस हुए हमारे इस 24 में, वो 3 पदवी के धारी थे। शांतिनाथ भगवान भी चक्रवर्ती तीर्थंकर और कामदेव थे, कुंतुनाथ भगवान भी तीर्थंकर चक्रवर्ती और कामदेव थे, अर्यनाथ भगवान भी तीर्थंकर चक्रवर्ती और कामदेव थे। तो 3 पदवी एक ही व्यक्तित्व पे नहीं होती, लेकिन इस बार वह भी हुई। और एक चीज और बताऊं, इन तीनों का ही जन्म हस्तनापुर नगरी में हुआ और ये वहीं पे चक्रवर्ती बने। अगला पॉइंट, तीर्थ काल का विच्छेद होना। तीर्थ परंपरा में तीर्थ काल का विच्छेद कभी नहीं होता, लेकिन इस बार भगवान शांतिनाथ तक 16वें तीर्थंकर जो हमारे हस्तनापुर में जन्म हुआ जिनका, उनके होने तक अब की बार तीर्थ काल का विच्छेद हुआ। चलिए ये तो सब तीर्थंकरों के बारे में जो हमने पढ़ा है। अगला पॉइंट है बलभद्र के बारे में। बलभद्र जो राम जी थे, जो जिनके भाई लक्ष्मण जी थे, उनको अपनी पत्नी सीता जी की दीक्षा के बाद वैराग हुआ। अब की बार ऐसा हुआ कि एक बलभद्र जो राम जी थे उनको अपनी पत्नी की दीक्षा के बाद वैराग हुआ और वह मतलब मुनि बने और वो मुनिराज बनकर गए। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं आज के प्रश्न, जो 5 प्रश्न जो पिछली वीडियो में भी 11 फरवरी वाली वीडियो में भी आपसे पूछे गए थे, पूरी वीडियो होने के बाद
वही पांच, एक और नई पांच प्रश्न आज फिर डिस्कस करते हैं, जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आपको मिलेंगे किन्हीं तीन विजेताओं को मिलेंगे ₹200 नगद। ठीक, पहला प्रश्न, कौन से बलभद्र को पत्नी की दीक्षा के बाद वैराग हुआ? जो मैंने बताया है वह बताना है आपको, जो वीडियो में मैंने बताया है वही सुनना है और वही आपको बताना है कि कौन से बलभद्र को पत्नी की दीक्षा के बाद वैराग हुआ। दूसरे नंबर क्वेश्चन, सट विद्या का उपदेश, छह कर्म मैंने जो बताए थे उनका उपदेश किसने दिया था इस चौबीसी में? जो मैंने बताया है उसमें से ही बताना है। तीसरे नंबर पर क्वेश्चन, प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान जो अयोध्या में जन्म हुआ जिनका, उनको मुनिराज बनने के बाद प्रथम आहार नवदा भक्ति पूर्वक कितने महीनों बाद मिला? जो मैंने बताया था उसमें से बताना है। चौथे नंबर का क्वेश्चन, प्रथम तीर्थंकर से पहले, उनके मोक्ष जाने से भी पहले कौन कौन मोक्ष चले गए थे? दो नाम मैंने बताए थे, प्रथम तीर्थंकर से पहले कौन मोक्ष गए? पांचवें नंबर का क्वेश्चन, कौन से भगवान के पैदा जन्म लेने तक तीर्थ काल का विच्छेद हुआ था? कौन से तीर्थंकर भगवान के जन्म लेने तक तीर्थ काल का विच्छेद इस चौबीसी में हुआ था? चलिए, तो अब ₹200 के जो विजेता हैं, जो तीन विजेता निकाले गए हैं 11 फरवरी वाली वीडियो के, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहला नाम है संगीता जैन, गांधीधाम गुजरात से हैं वो। सबसे पहला प्राइज उनको मिलता है ₹200 नगद का, उनको बहुत बहुत बधाई हो। सेकेंड नंबर पर है बकुला साहजी, अभी पता नहीं उन्होंने लिखा नहीं था कि कहां से हैं, बकुला साहजी। थर्ड नंबर पर है संतोष विनायक जी, ठीक है। इन तीनों लोगों को अपने पेटीएम नंबर 78 नंबर नोट कर ले, 7827080365, एक बार दोबारा से बता रहा हूं मैं, 7827080365, इस नंबर पर अपने पेटीएम नंबर इन तीनों विजेताओं को भेजने हैं और आपको दिए जाएंगे, आपको पेटीएम किया जाएगा ₹200 नगद तीनों। चलिए, बहुत जल्द अगली वीडियो लेकर ज्ञान रहस्य की आपके समक्ष दोबारा उपस्थित होऊंगा। तब तक वेट एंड वॉच। एंड एक बात और जरूर आपसे कहना चाहूंगा, इस तरह की और वीडियो सुनने के लिए, देखने के लिए और ऐसी प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए हमारे श्रीवाणी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आप हमारे श्रीवाणी चैनल इस तरह की बहुत सारी अनेक अन्य अन्य प्रतियोगिताएं करता रहता है जो कि आपको जल्दी देखने को सुनने को मिलेगी। आप जरूर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। ज्ञान रहस्य का अगले एपिसोड के लिए इंतजार करें। नेक्स्ट थर्सडे मैं फिर आऊंगा आपके समक्ष श्रीवाणी चैनल पर। जय जिनी।